जय हिंद। आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। एक मिनट पहले आई एक बड़ी खबर। अभी अभी फिर हुआ एक बड़ा रेल हादसा। दो गाड़ियां आपस में टकराई, मच गया हड़कंप। ड्राइवर हुआ घायल, 12 डिब्बे पटरी से उतरे। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में ट्रेन हादसे से फैली दहशत, भारी संख्या में लोग तैनात, मची अफरा तफरी। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे के जख्म अभी पूरी तरीके से भरे भी नहीं थे। और इधर बंगाल में एक और रेल हादसे की खबर सामने आ गई। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में भीषण रेल दुर्घटना हुई है। यह हादसा रविवार सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार दो मालगाड़ियों के आपस में टक्कर होने की वजह से यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के करीब 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। रविवार अहले सुबह 4 बजे के करीब बंगाल के बांकुड़ा में ओंडा स्टेशन पर यह हादसा हुआ। इस हादसे में मालगाड़ी के चालक को गंभीर चोट आई है। सूत्रों की माने तो मालगाड़ी ओंडा स्टेशन से गुजर रही थी, तभी दूसरी मालगाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे करीब 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना के बाद सभी डिब्बे ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। हालांकि टक्कर की आवाज सुनते ही कई स्थानीय वहां जमा हो गए। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरीके की जान माल की कोई हानि नहीं है। रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों मालगाड़ियां खाली थी, लेकिन हादसे का कारण क्या था इस बात का पता नहीं चल पाया। इस मामले में आला अधिकारी जांच कर रहे हैं। हालांकि इस घटना की वजह से आद्रा मंडल की कई ट्रेनें प्रभावित जरूर हुई है। हालांकि हादसे से हुए नुकसान से अधिकारी जल्द निपटने की कोशिश में हैं। हादसे के बाद रेलवे के अधिकारी जल्द से जल्द अपलाइन को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पुरुलिया एक्सप्रेस जैसी कुछ ट्रेनें इस डिवीजन से गुजर सकें।